दूसरा पुरस्कार फिर प्रदान किया गया अंश किसान सेवा कोल्ड कादी प्रसाद याबाद ओम प्रकाश यादव जी पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं। 500 रुपया पुरस्कार दोबारा प्रदान कर देने हैं। भैया के प्रणाम। आखिरी लाइन, कोई जरूरी ना है कि 50 लाइन हो, 1 लाइन 2 लाइन हो, समर्पण होने के चाहिए। अंतिम लाइन में को घराने का परिचय। बिहारी गणेश बिहारी गणेश राम लाल से, अरे राम देव नामी भैले संगीता से, दुर्गति हरेलू बड़ा सुंदर महफिल भाई और बड़े सम्मानित लोग प्यार से बैठ के आनंद आप लोग ले रहे हों। तनी सा कुछ हमारे नौजवान साथी लायक बड़ा बढ़िया गीत हमारे सुरेंद्र भाई सुनौलन नैहरे में रहलू टिटिहरी। लगा था कि सैया का बेलल रोटी खैलू। जमाना बदल गल भाई, ऐसनो आदमी हुआ कि वो किचन में रहते हो मेहरारू बैठ के टीवी देखते हैं। ऐसन भी लोग हुआ आ दूर ना हो तो यही से मिल जाए चार छठे तो ठीक है। खाना पीना बनावल कोनो खराब नहीं बाय। बड़ा बढ़िया गीत सुनला, कुछ ऐसा सुनावा कि बिल्कुल नया हो जा। और देख दूसरे सुना के पर गाना की ओर चला हमारे मिजाज। भोला कवि की लेखनी, चंद्रिका कवि की लेखनी, सुखनंदन कवि की लेखनी, बिरहा में इन लेखनी का कोई जोड़ नहीं था। बड़ी अच्छी गीत का भाव सुने आप। एक और गीत, अचंभित हो जाएंगे आप, आनंद लीजिएगा। तनी पहले कुछ हमारे नौजवानन बदे कुछ बजा बजा। दिन बिरहा होता है हमानो तनी मनी सुरेंद्र भाई तनी मनी हमानो हिला उला के हिला हल्का सा
लेकिन महरुआ कुल काठे निकले हो ऐसा गीत करिया में एक बान के पूरा घूम घूम के नाचे थी। हमका मंडली बड़ा बढ़िया बात कहलन पर पूरा घूम घूम के हो वही पर थे गीत हमरे याद आ गए थोड़ी नाचत रहल रतिया तो ये गौली है सुना दारू बजारू हो चढ़ जाला हो घूम के नचला सु तो के कहली हम कि दारू बजारू हो चढ़ जाला हो तो के हुए के नियत बिगड़ जाला हो दारू बजारू हो बिगड़ जाला कारीगरी हो सुंदर भाई सुना कारीगरी का हो कहा जात हो कहा हम है देखा बेची खाना का काम अरे चली ची खाना का काम तू घुघुलिया पे कुछ गाओ ना सो दुनिया पे हमका दुनिया पे दारू ना पिया जा कहो दुनिया से दारू पियाई तू तो इसमें स्लीच वार बताओ तू ची खाना का काम अरे चली ची खाना का काम तू घुघुलिया पे घुघुलिया पे नेत पर से लगो हमारा नथुनिया अरे जब हिलाल कमर हो चोरी कहाँ से है चोरी कहाँ से है हाल का होती लोग का ना पूछो सब अरे हाँ क्या है दिलों का ना पूछो सम आप का मुस्कुराना अरे उठा गया ऐसे बढ़िया एकर कंपोजिशन हो का ऊपर चली चली सी खाना तो काम चल सिखाना तक काम घुघुलिया पे घुघुलिया पे ओ चल सिखाना तक काम घुघुलिया पे घुघुलिया नेट पर से ना तो हरा ना तुलिया हम नेट पर से ना तो हरा ना तुलिया अरे जब ही आवे लुका मरे हर दुनिया हमारे भैया आदरणीय श्री शैलेश यादव भैया के बहुत बहुत प्रणाम और हमारे छोटे भाई एक मिनट गुड्डू यादव जी भट्टा मालिक बाबा के सजावट में जन्माष्टमी में बड़ा जम के जितना भट्टा मालिक भैया लोग बैठल हो विजय लाल यादव को प्रणाम स्वीकार करी हम जैसे जैसे आप लोग लग के लपट के और इतना बढ़िया यहाँ जलसा लगौले हुआ वही तरह बाबा जो है तुम जिंदगी में हमेशा उजाला रखता है हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना हो हमारे भट्टा मालिक हमारे छोटा भाई हो गुड्डू यादव जी हमारे यहाँ गैलन सुरेंद्र भाई हमारे यहाँ गैलन तो हम साफ कजरी प्यारलाल भैया भी रहल हम कल कहो भाई तो हम मना है यार लेकिन जब बाबा के दरबार में चलना हो तब वह जाना वह गवावे चला चला कई फायदा हो गया एक फायदा बाबा के दर्शन दूसरा फायदा पंच परमेश्वर के दर्शन तीसरा फायदा यही में गाना बजाना भी हो था बलिया से आलवन सुरेंद्र भाई का भी दर्शन 1000 रुपया पुरस्कार भट्टा मालिक गुड्डू यादव जी भैया के प्रणाम बाद चंद्रिका कवि जी के मोहम्मदपुर
गांव से ही पुरस्कार प्रदान के लिए भैया प्रणाम। छोलापुर थाने पर कार्यरत हुए और हमारे नागेंद्र भैया दीवान जी बिरहा के बड़े प्रेमी बागी भलिया के रहने वाले हैं, सुरेंद्र भाई के रिलेशन में है लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे रिलेशन में नहीं है। इतना प्यार इतना स्नेह, लॉकडाउन में तो आखिरी मेहनत के लिए रहे। पुरस्कार प्रदान के लिए भैया के भैया भैया समझ जा अब यहां ना तो कहा बता दा बता दा पहलवान तो एक लाइन में बता दा बा बा किसान सेवा कुंड कादीपुर शादियाबाद ओम प्रकाश यादव भैया बोला मरी तीसरा प्रसार पेट्रोल पंप के मालिक नया पेट्रोल पंप खुलल है बिल्कुल हमारे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी। धन्यवाद भैया के 500 रुपए रोजगार दलन का हुआ एक लाइन में कहना जाकर कृपा राम पर कृपा करे सब कोई आउटा मास्टर अभी अभी आप लोग सुनल सुने के मिलल और वही तरह बड़ी बेजोड़ गीत का बारी भी आ गई है बिरहा पे बिरहा तने लाइन के समझ ले बड़ा आनंद आई आप लोग के। दानी भी था वीर भी था कर्ण को अंतिम समय में भगवान ने मोक्ष दे दिया हाथों पचिता सजा करके उसकी अंत्येष्टि करते हैं भगवान लेकिन अब तक से आवा कहीं ना कहीं चूक आदमी से जिंदगी में होले सवाल तू जो नहीं कहा तो जिंदगी
जिंदगी भर जरा एक बात बता दें, सबसे बड़ा दोष है दुनिया में भ्रातृ दोष हो, भाई का दोष। दुर्योधन बार बार यह सोचे कैसे कुल मर जाता और हमारा कुल जो है बच जाती, ससुराल हिस्सा बखरा नहीं मंगता। आज को अनर्थ हो गया, लक्षागृह में पांचों भाई पांडव सुतल हुए, माता कुंती भी सुतल है, और वही समय लहिया के भवन में आग लगवा दिया, धू धू करके लक्षागृह जले लगल। उता नकुल या सहदेव के विद्या से पांचों भाई निकल गए भरे, जाके जंगल में छिप के रह लगल। एक साल भी तरफ दुर्योधन बिल्कुल अस्वस्थ हो गल कि जायदा कुल पांचों मर गए, अब क्यों हिस्सा मांगने वाला नहीं है। विराह का तीन चार सवाल हल हुई। एक सवाल, द्रौपदी के पांच पति क्यों हुए? दूसरा सवाल, मरने वाले लोग जो लड़ाई के मैदान में लाश गिर रही थी वह लाश कहां जा रही थी? और तीसरा प्रश्न कि बड़े बड़े योद्धा लड़ाई के मैदान में मार दिए गए तो पांचों पांडव पांचों बच गई लंग, का ये खोजाने के ना मरे के चाहत रहल? ये भी प्रश्न हल होगा। लेकिन हम छिप के पांचों भाई अपन जिंदगी माता कुंती के साथ है, खास पूछ के मरई बनाए के बिठावत हुआ, अतल वही बीच में विशाल यज्ञ का है, विशाल यज्ञ के आयोजन करवाए धलखे पंचाल देश का राजा द्रुपद नरेश। छह महीना तक लगातार यज्ञ चलल, अतल वही यज्ञ में से एकदम लहला लहला आगे झरत है, वही में से थे लड़की उत्पन्न भइल, पैदा भइल। वो लड़की के नाम लोग रखलन, का रखलन? पहले शैलेंद्री रखलन, बाद में द्रौपदी भी वो लड़की के बोला। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी दोस्तों, बात का समझ लिया जो बात बतावत है जिंदगी में काम आ जाए। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, आज शक्ति का अंश थी। द्रौपदी जब प्रकट हुई वही हवन कुंड में से हाहाकार मचल, जितने ज्योतिषाचार्य और देव लोग बैठल हलन हवन करे वाला, वसु लोग मुनि लोग कहलन के राजा द्रुपद नरेश सभी लड़की तोरे हवन कुंड से प्रकट भइल त एके तोहा अपनावे के पड़ी। राजा कहला हम कोनो दिक्कत ना हो, लेकिन तनी एकर भाग देख लाए कर भाग का कहत हो। घड़ी देला कुल निकाल के जब ओकर भाग देखल तो ज्योतिषाचार्य कपार पीटल लगल, कहला रे बाप रे बाप, राजा गड़बड़ है, कहा का गड़बड़ है? कहा कि सात हाथ गहरी खून का नदी बही करे चलती। अजब इतना सुनना तो राजा का कलेजा बैठ गल, धाय दे जब बैठ गल, कहला भैया तब हम तब हमार लड़की ना रहे, कहला रे तोरे हवन कुंड से प्रकट भइले तब लड़की तो तोहरे रही। राजा पट देख के फैसला ले लेला कि जब ऐसा बात हो तो पट देना के तुरंत स्वयंवर रखवा दे थई, राजा महाराजन के बुला दे थई, जे जीत के ले जाई तुम्हारा सात हाथ खून बहो चाहे 14 से का लेना दे। पत्रिका मच गई, करण के विषय में मना करा, कारण के विषय में भैया बतौलन कि दानी भी था भीड़ भी था लेकिन बदमाशड़ा भी रहा। देखा आदमी के अंदर गुण हो तो अवगुण भी ओकरे साथ ही हो, खाली गुण हो जाए तो भगवान हो जाए। दुर्योधन के संगे और संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होला। दुर्योधन जो रहो लालची रहल, स्वार्थी रहल, पीर भी रहल, पराक्रमी भी रहल, लेकिन दुर्योधन जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कुल तोता मत इंद्र का पत्रिका घूम गई कि ये भैया हस्तिनापुर से भी लोग आवे। दुर्योधन हसत लेके चलल कर्ण के की अर्जुन हइए ना हुए, चल के चला जीत चले के आवल जा, माफी सज गई। अच्छा तो याद हमें आवला सिमरत उस्ताद से बिरहा जब हो, स्वर्गीय बुल्लू गुरु, स्वर्गीय रामदेव गुरु, स्वर्गीय सिमरत उस्ताद, फिल्म का इतना बड़ा गवैया रहा कि बिरहा जगत में सबसे पहले फिल्म का धुन गावे वाला सिमरत उस्ताद, आई उनका लाइन है।
ये हमारे विवाह के लाइन ना हो, ये उन्हीं के लाइन हो। राजा कहलन कि जब ये लड़की के हाथे सात हाथ गाड़ी खून का नदी बही तो लप देकर जो है तो स्वयंवर रचवा देते ही कैसे रचोलन। और ये देख रहे हैं पूर्व एमएलसी प्रत्याशी ग्राम सभा रमला से और जिला पंचायत के पूर्व जिला पंचायत सदस्य पूर्व एमएलसी प्रत्याशी और हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे दल के बड़े शानदार नेता भाई उमेश यादव जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद, मालिक सुखी रखें, बाबा का आशीर्वाद लगाए। सिमरत प्रस्ताद कई लाइन हमारे विवाह के लिखल लाइन आ, लेकिन वो लोग के जिंदा रखे बदे एक लाइन के थोड़ा सा गाई ना। अरे रखवाले हो, अरे रखवाले स्वयं भर के पीना बची गए सो कि अरे स्मृत सात लाइन है कि अरे जनवा मच गए सोर जहनवा में तंगवावला डलरिया में मीन रजनवा इतने ऊपर डलरिया घूमत हो वही में मछली हो नीचे खड़ा हाथ खोलता हुआ तेल वही में ताक के मछली का आंख में बाण मार दे वही से बिटिया का शादी। सीआरपीएफ के नौजवान हमारे उमेश यादव जी ये बटौली की धरती से 200 रुपया पुरस्कार प्रदान कैलन। 551 रुपया श्री तिलकधारी यादव जी ट्रक मालिक हमन भैया पुरस्कार प्रदान कैलन है। भैया के हमारे प्रणाम बाय और क्षमा करियन। भावी प्रधान मुन्ना यादव तोफा कोची से भैया बोला मत हो तोफा पर कोची से पुरस्कार प्रदान कैलन है। इतना कृपा बनल है श्री ना हमारे श्री फौजी फौजी और पूर्व श्री फौजी छाप के बोले। अच्छा ठीक है बैठा वहां पहुंचा हम छापत है मुझे पता लगी है ना पता लगी पता हमारे श्री फौजी लेढ़ूपुर की धरती से पुरस्कार हो। और देखा बड़ा पुराना कलाकार हूँ हमारे पारस पात के साथ भी रह चुकल हूँ हमारे सिजई भैया के द्वारा ये देखा कितना तुकबंदी बैठ गए यार विजयी है सिजई 200 रुपया पुरस्कार प्रदान कैलन है। भैया के हमारे प्रणाम हो हमारे शैलेंद्र बाबू देवकली की धरती से पुरस्कार प्रदान कैलन है। बहुत बहुत प्रणाम। इकुल बिरा है आजकल ना होता खड़ा होता आदमी पर देना कांड गावत हुआ आदमी चल जाता हूँ घर कला है कबलना है लेकिन अब बिरहा के जिंदा रखे बदे कठे बिरहा इसम गाना पड़ी तब ही बिरहा बच पाई। छैहट छैहट म्यूजिक है ये लोग बड़ी छैहट कहले भी ये हमारे उन्हें धनेश प्रजापति चेला हूँ सब क्यों खोला लगल फलाना म्यूजिक क्यों फलाना म्यूजिक क्यों फलाना म्यूजिक तमाम म्यूजिक खोजलन दले ये कहलन कि जब कुल म्यूजिक खुलता है तो हमारे ठे छैहट रही। धन्यवाद तोरे छैहट म्यूजिक के बहुत बहुत धन्यवाद भैया भगवान करे इतने छैहट पार म्यूजिक करत रहे बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कला ही नहीं हो जे जे आयल
धनुष का बाण उठा के मारे भैया भैया ए फौजी। अरे यार ये सिद्ध कर देबा का फौजी, ए श्री फौजी तनी बोले कि ना तोहार गलती ना है फौजिन का, आप माथा गरम रहबे करल शांत रहा तो यहाँ गरम वाली बात ना यहाँ ठंडा रहा, गरमाए वाली बात कर तो गरमाया अर्जुन से रत्ती भर कम थोड़ा रहा सुंदर भाई इमें शक ना हो बहुत बहादुर होकर धनुष बाण लेके हंसत मुस्कुरात पूरा घमंड में गैल जाके एक बार मछरी कर तकलस एक बार करहा के तेल में तकलस घमंडी चिन्हा जाले शालीनता भी चिन्हा जाले और घमंडो चिन्हा जा चेहरे पर शालीनता हो तो आप परख जाइबा और घमंडियावा मन करी तो कुकुर एठे सुतल हो के एक लात मारत चले मतलब जनाई की जन हो बहुत बढ़िया कोनो पहलवान के जन होते गर्दन पर अन्ना मार दिल हूं इतना गर्व ये घमंड उनका बोलो कुकुर सुतल हो वो बेचारा रोटी नहीं पौले बा के लात मार दलो भाज के हो खड़ा भयो आ पूरा इधर खड़ा हो अब आ ये हमारा बच्चा आपके धरती का शानदार कलाकार इसमें कोई दो इतना बड़ा था सुंदर भाई इतना लोगों के बीच बाबा के सामने मैंने खिलाया है पहनाया है गवाया है सिखाया है और तब जाकर के इस लायक ये लड़का हुआ है। एक बार जोरदार ताली से सम्मान करें आपका बच्चा है आपके घर का है कभी अपनी आंखों में प्यार मत हटाइएगा। रुपया पैसा तो अपने जगह पर हो लेकिन प्यार अगर बनल हो तो सब कुछ ठीक हो। प्यार हट गल हमारे प्यारे लाल भैया भैया बड़ा हैरत में रहना दो एक दिन हमें पता चला घबरा कर रहा एकदम हमको घबराइली मत यहाँ करे वाला भी है हुआ करवावे वाला भी बीच में जो है तो जो ऐसन का हुआ जो भाई जो मार वाला उनसे सजग रह ली पांच सौ रुपया पुरस्कार प्रदान के लिए उपेंद्र लाल यादव बड़ा चर्चा है बच्चा का शुभ आशीर्वाद धन्यवाद चर्चा है भाई और चर्चा चाहिए हमन जहां ले जाके छोड़ ले ही वहां पहुंच के लोगों ने के संभारा हमन का चिंता मत करा हमन का तो मूर कही आ गई ब्याज वसूलत है आया भाई 10 साल मन बन गल तो फिर हां तो कबो ढाक लग जाई 500 रुपया पुरस्कार धीरे 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 दिखाई मातेश्वरी बिल्डिंग मटेरियल ये हनुमानपुर मनीष यादव जी ये कौन चौराहा बनपुरा चौराहा से 500 रुपया पुरस्कार प्रदान की लंग बड़े बड़े वीर अइलन डलरिया पर मछरी के दबा छोड़ जा चलल तनी बड़ी मौका का लाइन हो करण चल ऊपर से उतार दे खेल के तमन बा बदवाल हम माथा खैला बैठ के एक तो ढेर दिन पर हम गावे खाल वाले मना हम ओए में माथा लग लालो खाए बतिया तो बता के बस बतिया लो ये आदमी इतना बैठा लो कहे कि देख कुल भुला उला के कैसन गाओ तो हम तो अपने इज्जत पर मरत है और तोहन का काम हुआ बाकी भाग मार दो उससे तो नहीं बचा कहता करण अपन पूरा चलल आ आ के एक बार मछरी के तकलस एक बार करहा के खेल पे तकलस देखा घमंडियावा कैसे करल धनुष बाण लेके कृष्ण भगवान करी लगा के कलत से बैठल आ तले द्रौपदी करी भगवान इशारा कर दमन द्रौपदी कह रुको वीर चट फैसला हो गल देखा करण रुक गया और दुल्हन के जोड़े में सजी द्रौपदी पूछ रही है कि अपना परिचय दो वीर कला अरे परिचय का दे आदमी है वीर है बाण चलाई कहना क्या सूर्यवंशी हो कहना ही क्या चंद्रवंशी हो कहना ही क्या जदुवंशी हो कहना ही कह तो क्या रघुवंशी हो कहना ही तो कौन हो कहीं के राजा हो कहना ही कह तो कौन हो कहा सूत पुत्र है